हेलो फ्रेंड्स, केआरसी क्रिएशन में मैं दुर्गेश नंदी जोशी आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ। सूजी से हेल्दी नाश्ता बनाना है, उसमें तेल भी कम लगता है और साथ में मैं बनाना सिखाऊंगी चटनी। नारियल की चटनी नहीं बल्कि ये मूंगफली की चटनी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि नारियल हर बार नहीं भी मिलता है, मूंगफली घर में सबके पड़ी होती है, तो हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे और साथ में सूजी का अप्पम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने मूंगफली ली है, आधा कटोरी के करीब मूंगफली है और ये एक बड़ा चम्मच चने, भुने हुए चने हैं, आप सूखे चने भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, अदरक है और लहसुन है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली मैंने कच्ची ली है, तो मूंगफली को थोड़ा सा भून लेंगे। ये मैं मूंगफली से चटनी बना रही हूँ। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो उससे भी आप चटनी बना सकते हैं। ये देखिए मूंगफली चटकने लगी है और ये भुन गई है। अब हम चने की चने जो लिए थे मैंने भुने हुए ही लिए थे, इसलिए थोड़ा सा उसको भी कर लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप चने की दाल ले सकते हैं, चने की दाल फिर वो आपको भूननी पड़ेगी थोड़ी सी। ये मैंने भुने हुए दाल ली थी। खुशबू आने लगी है तो इसका मतलब है अच्छे से हमारे भून गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है, मिक्सी में डाल देते हैं। इसी में ये लहसुन डाल देते हैं, ये अदरक भी मैंने धो के रखी हुई थी ये डाल देते हैं और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया इसके अंदर। और 2 चम्मच हम दही डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं या नींबू भी डाल सकते हैं, मैं दही डाल रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब ही पानी डाल देंगे। इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच के करीब नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए चटनी पीस ली हमने, बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बन गई है, अब इसकी छौंक लगा लेते हैं। छौंक के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1 चम्मच के करीब।
इसके अंदर एक चम्मच के करीब सरसों के बीज डाल देंगे। देखिए चटकने लगा है, इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं और इस चौंक को हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी चटनी बनके रेडी हो गई है। अप्पम बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, एक कप सूजी ली है मैंने, वो इसमें डाल देते हैं। आधा कप मैंने दही लिया है, दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और आधा कप ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम इनो सॉल्ट डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब। इनो सॉल्ट डालेंगे और इसको एक बार फिर मिक्सी को चला देंगे। ये देखिए मैंने उसको भी पीस लिया अच्छे से। हमारा बैटर बन के रेडी है और इमीडिएटली हम लोग बना लेंगे क्योंकि इनो सॉल्ट डाल चुका है और इसे बहुत ही अच्छे फ्लफी से बनेंगे। चलिए बनाते हैं। ये देखिए बनना शुरू हो गया पर बीच में से अभी गीला है, जब तक ये पूरा नहीं सूख जाता तब तक ये पूरा बनेगा नहीं, इसको सिम पे ही बनाना है हमें। ये देखिए पूरा सूख चुका है और इसमें देखिए बिल्कुल घी तेल नहीं लगा और आराम से उतर रहा है। इस तरीके से आप सारे बना लेंगे। ये अपने आप ही फैलेगा, इसको फैलाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे होल्स आ रहे हैं बीच में। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ढक भी सकते हैं जिससे कि ऊपर से जल्दी सिक जाएगा, तो मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ा सा। चाहे तो आप ऐसे ही बना लीजिए चाहे ढक लीजिए, दोनों तरह से अच्छे से बन जाएगा पर बनाना हमें सिम पे ही है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये पूरा ऊपर तक सूख चुका है, इसका मतलब है ये हमारा बन चुका है। ये देखिए बिना किसी चीज के हम लोग इसको आराम से उतार सकते हैं, बिल्कुल भी घी नहीं लगा है, ऑयल बिल्कुल नहीं लगा है इसमें और छेद भी बहुत अच्छे से आए हैं और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो इसको दूसरी तरफ से सेकने की जरूरत नहीं है, एक ही तरफ से सेका जाता है। तो ये हमारा बन चुका है, हम इसको उतार लेते हैं। इसके कम से कम 5 के करीब बन जाएंगे आपको जितना मैंने बैटर लिया है और इसको डोसे की तरह फैलाना नहीं है, थोड़े मोटे मोटे ही बनते हैं तो जैसे ये डाला हुआ मैंने इसी तरह से डालना है। ये देखिए हमारे अप्पम बन के रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे होल्स अच्छे से आए हुए हैं और पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, ब्राउन लाल ब्राउन कलर का। और ये देखिए पूरे में अच्छे से छेद वगैरह हो रहे हैं और इसको आप चटनी के साथ खाइए, नारियल की चटनी के साथ या किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये देखिए
वाओ यम्मी। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।